Okay, next. Magnetic quantum number. I will finish these four quantum numbers and then we will stop for the day. Okay? Magnetic quantum number. It was introduced by magnetic quantum number was introduced by Landé. Double meaning. Stop making the double meanings. Okay. Introduced by Landé. Okay. Next. Point number two. Magnetic quantum number is denoted by magnetic quantum number is denoted by small m and small l. Small m and small l. Next point. Magnetic quantum number tells us about the total number of degenerative orbitals. यानी कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, जैसे कि हमने देखा था एस के अंदर एक, पी के अंदर तीन ऑर्बिटल्स, डी के अंदर फाइव, एफ के अंदर सेवन, जी के अंदर नाइन. ओके, सो इट विल टेल यू द टोटल नंबर ऑफ डीजनरेटिव ऑर्बिटल्स विच आर प्रेजेंट. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, द वैल्यू ऑफ magnetic quantum number ranges from 10 to plus 10. M is equals to minus L, then we have a zero in between and plus L. देखो उसका value ऐसा होता है, m small m is equals to minus l comma 0 and then plus l. okay, to chalo hum log iska bhi calculation karte hain, values dekhte hain iska quickly. Write down the table for magnetic quantum number. Yes, make a table for magnetic quantum number. See, whenever the value of L will be equals to 0, M will be equals to 0. Or you can write ML, ML. Value of L is equals to 1. Value of ML will be equals to minus 1, 0, plus 1. Okay? And this, whenever ML is equals to 0, this will show only S orbital. Okay? And this will show P orbital as well as S orbital. Sorry, 3 orbitals it will show. And this will show only 1 orbital. Okay? Whenever value of L is equals to 2, the value of ML will be minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Okay? So, kitne orbital ho gaye dekho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbitals. Okay? Value of L is equals to 3, ML minus 3, minus 2, minus 1, 0,
प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री कितने हो गए देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन मतलब कौन सा जाएगा एफ ऑर्बिटल, एल इज इक्वल टू फोर एम एल माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री एंड प्लस फोर, देखो काउंट करो कितने हो गए, चार और ये चार आठ और ये जीरो एक नौ हो गए, सो कितने ऑर्बिटल्स है इसके अंदर, नाइन ऑर्बिटल्स, मतलब कौन सा हो गया, अगर नाइन डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स है तो ऑर्बिटल कौन सा है, जी ऑर्बिटल, समझ में आ गया, सो दिस आर दी वैल्यूज ऑफ अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके अभी हो गया लास्ट वाला दैट इज दी स्पिन क्वांटम नंबर, गिव द हेडिंग स्पिन क्वांटम नंबर, यस राइट डाउन स्पिन क्वांटम नंबर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गाउंड स्पिन, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गाउंड स्मिथ, ओके जगह ये नाम लगा देगा, इंट्रोड्यूस्ड बाय गाउंड स्मिथ, ओके हाँ दिया ऑन कैमरा है ना, दिया ऑन ये, ओके सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू इज स्पिन क्वांटम नंबर is denoted by ms, देखो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसा करते हैं स्मॉल m और सबस्क्रिप्ट s, राइट जैसे हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखा था स्मॉल m और सबस्क्रिप्ट l, देखो ऐसा लिखते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट ऐसा लिखेंगे नीचे और सुपरस्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं हम लोग राइट, सो हियर एम एल लाइक दिस एंड एम एस लाइक दिस, ओके ओके नेक्स्ट पॉइंट, स्पिन क्वांटम नंबर हैज अ वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, प्लस हाफ टू माइनस हाफ राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंड यू राइट इट प्लस हाफ टू माइनस हाफ, ओके नेक्स्ट पॉइंट, स्पिन क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी ऑर्बिटल राइट, यानी कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है एक ऑर्बिटल के अंदर राइट, यानी कि एक बॉक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये किससे डिनोट करेगा स्पिन क्वांटम नंबर से, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाएगा, ये भी दिखाएगा कि वेदर द इलेक्ट्रॉन हैज द अपवर्ड स्पिन और वेदर द इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डाउनवर्ड स्पिन, एंड वन मोर थिंग रिमेंबर, इफ द स्पिन इज अपवर्ड, लिख लो इफ द स्पिन इज अपवर्ड द वैल्यू विल बी प्लस हाफ, इफ द स्पिन इज अपवर्ड द वैल्यू विल बी प्लस हाफ, इफ द स्पिन इज अपवर्ड the value will be plus half, and if the spin is downward the value will be minus half, the value will be minus half